क्योंकि दाल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नान काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। सर आपने गाजर का हलवा क्यों नहीं खाया? सर खा रहे हैं सर, सच में सच बोलिए सर। Hi guys, I'm going to school. Okay. Daddy ne pakda hai Himmat ka backpack and daddy is little too lazy and wearing same clothes. Kya coffee peeni thi fir? Doodh patti. Char doodh patti. तो हमने प्लान बनाया स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने का, और हमारे घर के पास जो सोबीज है उसमें स्टारबक्स है। मैं दूर वाले में जाना चाहती थी पर मेरे में एनर्जी नहीं है, मैंने पता ही नहीं चला। मैं यही तो कहता हूँ यहाँ से कॉफ़ी उठाते हैं, एनर्जी उठाते हैं, देन वी गो टू फर्दर, देन आपको उठाते हैं और आपके सारी चीज़ों को उठाते हैं एंड देन कसम उठाते हैं। ताई नहीं, मैं हिंदी बोल रहा, तो मुझे हिंदी दी प्यार ये तो जो भी बोल तो क्यूड़ी पाई लगती है नाक अंदर वाला मास्क दे अपने। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग आए थे स्टारबक्स कॉफ़ी पीने के लिए। हस्बैंड मैक्याडो पीना चाहते थे कैरमल, आई डोंट नो कहाँ से उन्होंने चार चढ़ गया है, तो उनकी मशीन ही नहीं चल रही एस्प्रेसो मशीन। वैसे मैं फ्लैट वाइट पीने वाली थी, तो हमने नॉर्मल ओरिजिनल ब्लेंड ले ली है, आधा आधा कप पियेंगे क्योंकि कॉफ़ी पीने के लिए मेरा ए वाली एनम मान नहीं है। पादो नहीं कट दोगे मैनू तेरी प्यारी, मैंने बिना ढक्कन दे वी ला दो। तो हस्बैंड का काफ़ी समय के बाद फ़ोन आया है, काफ़ी अच्छी वॉक कर ली है हमने। और गाइस ये है डॉग पार्क, इसमें कितने सारे प्यारे प्यारे मानू बिल्लू से डॉगी आए हुए हैं और खेल रहे हैं, और हम लोग ना अंदर जाके उनको देख रहे थे, इतने एक्साइटेड हो रहे हैं ना। सो ये वाला मेन एंट्रेंस है, जब अंदर जाते हैं ना एडे एक्साइटेड हो जाते हैं ना बेबीज़ वो, बहुत मज़ा आता है उनको देख के। और मेरा बड़ा मन करता है कि हम भी एक डॉगी ले लें, पर डॉगी की टेक केयर करना इज़ लाइक बेबी की टेक केयर करना। हेलो दोस्तों, सुबह की कॉफ़ी एंड सैर के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो चुकी थी। मैंने हर बार ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत बिजी हो गई थी, पर क्या करूँ, हो गई थी मैं बिजी। और अब हम आए थे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने के लिए, क्योंकि हम जाएंगे मंडे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। एंड कॉफ़ी मीडियम डबल। तो फोटोग्राफ्स खिंचवाने के बाद हाँ, हिम्मत को बहुत भूख लगी है, क्योंकि जब हिम्मत स्कूल से आया था उसने कुछ खाया नहीं, हम डायरेक्टली चले गए क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट ली थी। एंड अब हिम्मत खा रहा है जूनियर चिकन बर्गर, हम कुछ नहीं खा रहे हैं क्योंकि हम मे बी आज डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे, मे बी, पक्का नहीं पता अभी, क्योंकि बाहर तूफान देख के डर लग रहा है मुझे, बाहर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग रेडी हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए, और मैंने ये पहनी है ज़ारा की ड्रेस एंड लुक एट दैट। मैंने पहनी है, मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैंने सोचा ये शोल्डर पे क्या हुआ, ये डिज़ाइन है, जब मैंने देखा ये तो फट गई, जब मैंने पहनी तब ठीक थी, और जब हम निकलने वाले थे तो मैंने देखा कि यहाँ से रिप होगी। ओह माय गॉड, बड़ी सैड होगी, मैं पहली बार पहन रही थी ये ड्रेस। सो फिर मैंने पहनी कोटी, लाल कोटी। से हेलो, हाय, शर्मांदा। हाय गाइस, वी हैव मेड इट टू द रेस्टोरेंट लाइक अ प्रॉपर विद चटनी। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग आ गए डिनर करने के लिए, हमने खा लिया बहुत ही प्यारा चिकन एंड फिश, एंड हस्बैंड हजे भी खा रहे, सारे टेबल पे सारे बंदे ने खा लिया, एक पट्टी आ रहा हजे भी स्टिल गोइंग, और अब हम वेट करेंगे डिनर एंड आई एम रियली हंग्री राइट। ओके, सो टेस्ट करने वाली हूँ मैं फूल, दाल खाने के लिए बहुत मन कर रहा है। Sixteen candles.
दाल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नान काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड राइस की वेट कर रहे हैं पति। We are waiting for over rice. हैप्पी इन्होंने अनियन ना बहुत पतले कितने वधिया कटे ना मशीन ना कटे लगे मैंने मोटे अनियन बहुत बुरे लगते हैं जितना मेरा सैलड बारीक होता है प्यारा होता है उतना मुझे अच्छा लगता है। राइस ना गर्म है सर। आपने गाजर का हलवा क्यों नहीं खाया सर? खा रहे हैं सर। सच में सच बोलिए सर, खाई है ना मैं। तो ये ना दी टीम जीतन नहीं रले हुए वो को की थोड़ा ड्राई है। सच बोलो, सच तो डरो ना बोलो। वो मीठा मुझे पसंद ही नहीं है। गाइस ये ना ये बहुत ही प्यारे हैं, ये ना बुरे रिव्यूज नहीं देना चाहते, पर ये गाजर का हलवा काफी सूखा हुआ है, ये सूखे नारियल के जैसा है। पता की गल है, आज से 5 साल पहले मैं सुखा गजरेला खाता था, अब मैं गिला गजरेला खाने लग पड़ा हूँ। ओके तो हिंदी बुलाउंदी मेरे तो। सर आपको ये गजरेला अच्छा लगा? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। ओके सो हमने खाना खा लिया है और आज हमने डिज़र्ट भी खाया है क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं वो बिना डिज़र्ट के नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरे और पति के पेट में तो जगह बचती नहीं है डिज़र्ट खाने के लिए, पर हमारे दोस्तों ने हमें पुश करके गुलाब जामुन खिला। सो अब हम लोग डन हैं, अब हम घर जाएंगे, घर जाके गपशप मारेंगे, चाय पानी पियेंगे। सो यहाँ ऐसे ही हमारा दिन आज कंप्लीट हो। सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपको गजरेला अच्छा लगा? ठीक है, क्या अच्छा किया बुरा किया? ये गजरेला और दोस्तों को रेकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे आके ये गजरेला खाएं? एक्चुअली ना मैं गजरेले का कभी फैन रहा ही नहीं। एक्चुअली ना ये बहुत ख़राब है, ये रेस्टोरेंट के सही रिव्यू देते नहीं हैं। अगर फ्यूचर में ये फूड ब्लॉगर बनेंगे ना इन्हें तो विश्वास ना करो, झूठ बोल रहे हैं। एक कहते मैं किसी के गले से लत क्यों मारा कह रहे 1 लाख का गला है कैसे लत मारा मैं इनके गले पे। दोस्तों साडा ना मैं तुम्हें इसलिए दसा साडा 1.5 लाख का गला है दिहाड़ी का। कोई एडे अर्गा ब्लॉगर आया उन्हें मरे रिव्यू देते साढ़े गला 1.5 लाख तो 15,000 का हो गया, 500 का हो गया। और तब से ये हर एक के गले को दिल पे लगा के रखते हैं और कभी किसी के मारे रिव्यू नहीं देते। और अरे दोस्तों तो हम लोग घर आ गए थे अराउंड 9:30 और अब समय हुआ है 1:30 रात के 1:30 और ये बंदा कुछ और नहीं अपना फ़ोन ढूंढ रहा है। और जो हमारे दोस्त हैं हम इतनी बातों चीतों में बिजी हो गए, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी स्पिरिचुअलिटी पता नहीं ब्ला 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 क्या 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 एंड देन बहु वेट करो। तो देन हस्बैंड को लगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो हस्बैंड ने उन्हें सजेस्ट किया प्लीज़ यहाँ पे रह लें रात को, पर वो मानने नहीं। जब पति ने उनको बहुत पुश किया रह लो रह लो रह लो वो चले गए पति ने उनको। ओके तो फिर वो दोस्त हमारे चले गए, उन्होंने जाना है सेंट कैथरीन। कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा। ओके सो 1 घंटा लग जाएगा उनको उनके घर पहुंचने में एंड यस वो चले गए। अब हस्बैंड बहुत ज़्यादा काले हैं क्योंकि इनको इनका फ़ोन की कर रहे हैं यार जान दे यार मैंने रुक जा प्यारी। सो ये है मेरे पति, ये बहुत ज़्यादा काली में है क्योंकि इनका फ़ोन नहीं मिल रहा है और मेरे पति की आदत है कि वो फ़ोन के बिना रह नहीं सकते। फ़ोन के बिना को तो उनका पल नहीं जीत सकते, वो एक पल मेरे और हिम्मत के बिना रह लेंगे पर फ़ोन के बिना बिल्कुल नहीं। सो वो फ़ोन ढूंढ रहे हैं। तुम मिल गया फ़ोन? मैनु पता वे कितने 2.5 मिनट तक के मरिया ने ना ना ना। सो यार दोस्तों इसी तरह आज के व्लॉग के साथ हम डन हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पति के बारे में कुछ अच्छे अच्छे विचार बताएं। एंड मैं मिलूंगी आपको कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, लव यू।